हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज दिनेश पवार एंड आई वेलकम यू ऑन संतोष साइंस एंड एग्रीकल्चर क्लासेस। टॉपिक का नाम आपको यहाँ पर दिख ही रहा है, क्या नाम है? बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस। कई लोग जानते हैं कि ये क्या चीज है, और अगर आप नहीं जानते हैं तो आज हम इसके बारे में बिल्कुल कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देंगे, और उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम्स के अंदर, उन सभी की भी बात यहाँ पर करने जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले जो नाम लिखा हुआ है, ये है क्या चीज? सबसे पहले नाम देखें, बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस। इसके अंदर बैसिलस तो हमारा जीनस है और थ्यूरिंजेनेसिस है वो स्पीशीज है। अगर बात करें कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है ये, या फिर ये क्या चीज होती है, तो ध्यान रखें ये एक बैक्टीरिया होता है। और बैक्टीरिया के अंदर भी अगर हम बात करें किस प्रकार का बैक्टीरिया है, तो ध्यान रखेंगे इसे हम बोलते हैं एंटोमोपैथोजेनिक बैक्टीरिया। एंटोमो का मतलब क्या है? इंसेक्ट, और पैथोजन का मतलब है उन पर अटैक करने वाला। तो यहां से इसका नाम हमें पता पड़ गया, ये कैसा बैक्टीरिया है? एंटोमो पैथोजेनिक, मतलब ऐसा बैक्टीरिया जो कि इंसेक्ट्स पर अटैक करता है। ओके, अब हमारे दिमाग में एक डाउट आता है कि बैक्टीरिया इंसेक्ट्स पर कैसे अटैक कर सकता है। तो ध्यान रखें, जब भी हम इस बैक्टीरिया का यूज करते हैं तो ये बैक्टीरिया इंसेक्ट की बॉडी में जाकर मल्टीप्लाई करता है और इंसेक्ट की डेथ कॉज करता है, तो उसके कंट्रोल में हमारे लिए काम आता है, इसीलिए हमने इसे क्या कहा? एंटोमोपैथोजेनिक बैक्टीरिया। सेकेंड हम बात करें ये किस प्रकार का बैक्टीरिया है, तो ध्यान रखेंगे ये एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है। अगर आपको ये नहीं पता कि ग्राम पॉजिटिव क्या होता है और ग्राम नेगेटिव क्या होता है, तो आगे आने वाला वीडियो जरूर देखें, उसके अंदर आपको ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो ध्यान रखेंगे ये कैसा बैक्टीरिया है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। और अगर इसके नेचर की हम बात करें ये किस प्रकार का होता है, तो ये होता है सॉइल बॉर्न बैक्टीरिया, मतलब ये मृदा के अंदर पाया जाता है। मृदा से बाहर ये अपना मल्टीप्लिकेशन इतना नहीं कर पाता, पर मृदा के अंदर बेसिकली मिलता है, इसीलिए हमने क्या कहा? सॉइल बॉर्न बैक्टीरिया। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस क्या है, तो बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस इज अ ग्राम पॉजिटिव सॉइल बॉर्न एंटोमोपैथोजेनिक बैक्टीरिया। तो ये इसकी डेफिनेशन यहां से कंप्लीट हो चुकी है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस को अगर हम शॉर्ट फॉर्म में कहें या लोकल लैंग्वेज में इसका नाम कहें तो क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं बीटी। तो ये वही बीटी है जो कि हम इंसेक्ट्स के कंट्रोल में यूज करते हैं। और इंपॉर्टेंट ध्यान रखने वाली चीज है, इट इज अ बायो एजेंट। बायो कंट्रोल की हम बात कर चुके हैं, बायो कंट्रोल एजेंट्स भी देख चुके हैं, उसी का एक छोटा सा पार्ट है बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस। अगर आपको बायो एजेंट्स पर और ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप बायो कंट्रोल एंड बायो एजेंट्स वाला जो वीडियो है वो देख सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीजें बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस के बारे में जो कि हमें हर जगह नहीं मिलेगी। पहली चीज हम बात करें कि बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस को डिस्कवर किसने करा था, तो इसके जो खोज करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज BHU में पूछी जा चुकी है। तो ध्यान रखें, इसकी खोज करी थी सबसे पहले जापान के एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था SH इशिवाटा। ये रहने वाले कहाँ के थे? जापान के। और अगर पूछा जाए इन्होंने कब इसकी खोज करी, तो 1902 के अंदर इन्होंने जापान में बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस की खोज करी थी, और ये बताया था कि ये एक सॉइल बॉर्न बैक्टीरिया होता है। ओके, नेक्स्ट हम बात करें बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस के कौन से स्ट्रेन्स का हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, तो बैसिलस की हमारे पास ऑलमोस्ट 8 to 9 स्पीशीज है जो डिस्कवर हो चुकी है, पर सबसे मेन जो हम यूज करते हैं वो है बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस, और इसमें भी इनके अलग अलग स्ट्रेन्स मौजूद हैं। तो जो हम स्ट्रेन्स यूज करते हैं, एक तो है बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस कुर्स्ताकी, ओके, और दूसरा जो स्ट्रेन है वो है बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस टेनेब्रायोसिस। इन दोनों स्ट्रेन्स का सबसे ज्यादा यूज किया जाता है।
ओके अगर हम बात करें बैसिलस सोरेनजेनेसिस कुर्स्ताकी की, तो इसमें जो जीन मिलता है उसको हम बोलते हैं क्राई वन जीन। और आप जानते हैं क्राई वन जीन के अंदर एक तो हमारे पास जीन है क्राई वन ए बी और एक हमारे पास है क्राई वन ए सी। ये दोनों जो है वो किसके द्वारा बनते हैं? बैसिलस सोरेनजेनेसिस कुर्स्ताकी के द्वारा। और अगर हम बात करें बैसिलस टेनेब्रायोसिस की, तो इसमें बनता है क्राई थर्ड जीन। तो ये दोनों जो जीन्स हैं उनके अलग अलग सिग्निफिकेंस है, किस तरह से हैं उसको देख लेते हैं। जब हम बात करें बैसिलस थोरेनजेनेसिस कुर्स्ताकी की, तो इसमें क्राई वन जीन है और ये हम यूज करते हैं लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए। ओके और अगर हम बात करें बैसिलस थोरेनजेनेसिस टेनेब्रायोसिस की, तो इसको हम यूज करते हैं कोलियोप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए। ओके तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बैसिलस थोरेनजेनेसिस का यूज कौन से ऑर्डर के इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है, तो वहां पर ध्यान रखना है लेपिडोप्टेरा भी है और कोलियोप्टेरा भी है। लेकिन अगर लेपिडोप्टेरा और कोलियोप्टेरा दोनों अलग अलग ऑप्शंस के अंदर आ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें लेपिडोप्टेरा ही टिक करना है। ओके क्योंकि क्राई वन और क्राई टू दोनों का यूज लेपिडोप्टेरा के लिए होता है, बल्कि सिर्फ जो क्राई थ्री है उसका यूज हम करते हैं कोलियोप्टेरा के लिए। तो ये चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखनी है, कई बार पूछी हुई भी है। तो बैसिलस थोरेनजेनेसिस का मेन यूज लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूज ऑफ बैसिलस थोरेनजेनेसिस। तो इससे रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसे समझना बहुत जरूरी है। तो देख लेते हैं, अगर यूज की बात की जाए तो आपको सबसे पहले एक कंपनी का नाम ध्यान रखना है जिसका नाम है मॉन्सेंटो। तो वर्ल्ड में सबसे पहले मॉन्सेंटो कंपनी जिसका हेडक्वार्टर यूएसए में है, उसने बैसिलस थोरेनजेनेसिस का यूज किया था। अब किस तरह से यूज किया था वो देख लेते हैं। क्राइजीन की बात हम कर चुके हैं, ये वो जीन है जो कि बैसिलस थोरेनजेनेसिस के अंदर मिलता है। तो हम यहाँ पर एक सिंपल सा इसका एक डायग्राम बना लेते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा बीटी जो है उसका क्राइजीन है। अब इस क्राइजीन के साथ यहां पर उन्होंने एक डीएनए यूज किया जो कि कॉटन का था। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि इन्होंने एक डीएनए यूज कर लिया। ये डीएनए किसका था? कॉटन का। और इन्होंने इन दोनों को मिक्स कर लिया, मींस इसे ज्वाइन किया। तो जब इसे हम ज्वाइन करेंगे तो एक साथ हम इसे क्या बोल सकते हैं? बीटी कॉटन। तो इस तरह से बीटी कॉटन का जो निर्माण था वो कंप्लीट हुआ। तो उन्होंने बैसिलस थोरेनजेनेसिस से जीन लिया और कॉटन से पूरा डीएनए, और उस जीन को इन्होंने इस डीएनए के अंदर इंसर्ट कर दिया। उससे जो नया डीएनए बना, उस डीएनए को हमने क्या कहा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए, क्योंकि इसे हमने क्या किया? कंबाइन किया। तो यहीं से ध्यान रखें, ऐसा डीएनए जिसके अंदर कोई दूसरा जीन होता है उसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बैसिलस थोरेनजेनेसिस से बीटी कॉटन कौन सी टेक्निक द्वारा बनाया गया था? तो हमें यहाँ पर नाम इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, कौन सी टेक्निक थी? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। ओके और अगर बात की जाए रिकॉम्बिनेंट डीएनए से जो भी हमारी नई वेराइटी बनी उसे हम क्या कहेंगे? तो ध्यान रखना है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए से बना हुआ कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसे हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। तो बीटी कॉटन जो है वो एक ट्रांसजेनिक वैरायटी है जो कि मॉन्सेंटो कंपनी ने सबसे पहले बनाई। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्शन ऑफ बैसिलस थोरेनजेनेसिस कि बैसिलस थोरेनजेनेसिस किस तरह से इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के काम आता है। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले एक्शन में यहां पर ध्यान रखेंगे कि ये लेपिडोप्टेरा ग्रुप के जो हमारे इंसेक्ट है उनको कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। और अगर आपसे स्टेज पूछ ली जाए कि कौन सी स्टेज में कंट्रोल करता है, तो आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, ये सिर्फ और सिर्फ लार्वल स्टेज में कंट्रोल करेगा, अडल्ट होने पर या एग्स में ये कभी भी उसका कंट्रोल नहीं कर सकता। ओके तो जब ये लार्वल स्टेज में होंगे तो जरूरत होगी अपनी बॉडी साइज को इंक्रीज करने की, ये हम एंटोमोलॉजी के इंट्रोडक्शन में बात कर चुके हैं। अगर ये चीज आपको समझनी है तो आप एंटोमोलॉजी इंट्रोडक्शन का वीडियो देख सकते हैं।
तो ये जो लार्वल स्टेज है ये यहाँ पर फीडिंग करती है, जो भी कॉटन है यहाँ पर, जब मान लेते हैं इसका इन्फेक्शन कॉटन पर हुआ है तो कॉटन के जो लीव्स हैं, फ्रूट्स हैं, फ्लावर्स हैं, उन पर इन्फेक्शन होगा इनका, और ये वहां पर इन पत्तियों को खाएगी। और जैसे ही ये इन लीव्स पर फीड करती है तो ये सारी लीव्स खाने के बाद कहाँ पर पहुंचेगी, इनकी इंटेस्टाइन के अंदर पहुंच जाती है। ओके, और इंटेस्टाइन की अगर हम बात करें तो हमारी इंटेस्टाइन में जो पीएच होता है वो एसिडिक होता है, लेकिन जो इंसेक्ट्स होते हैं उनकी इंटेस्टाइन का जो पीएच है वो 7 से ज्यादा होता है, मतलब कैसा होगा, बेसिक या फिर हम कैसे। और जैसे ही ये जो कॉटन है इसके अंदर बीटी का जो जीन है ये इन लीव्स के साथ इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो वहां पर ये बनाता है एक टॉक्सिन, मीन्स एक टॉक्सिक सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है। और ये टॉक्सिन जो भी यहाँ पर इसकी इंटेस्टाइन होती है या फिर इसको हम गट भी कह सकते हैं, तो इस इंटेस्टाइन या गट के अंदर इसकी वजह से छाले हो जाते हैं, ठीक है। और ये जब छाले होंगे तो वहाँ एक्सेस ब्लीडिंग होने लग जाती है और इन्फेक्शन होने की वजह से ये जो लार्वा होते हैं इनकी डेथ हो जाती है। ओके, तो इस तरह से इसका कंप्लीट एक्शन होता है। याद रखने वाली चीजें जो है वो ध्यान रखें, कौन सी स्टेज में कंट्रोल करता है, तो लार्वल स्टेज में। अगर बात करें इंसेक्ट की इंटेस्टाइन का पीएच कितना होता है तो 7 से ज्यादा होता है। और अगर हम बात करते हैं बैसिलस थुरिंजिनेसिस का एक्शन कहां पर होता है, तो इसका एक्शन होता है इंसेक्ट की इंटेस्टाइन के अंदर। और इसका जो मेन यूज है वो कौन से ऑर्डर के इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने के लिए करते हैं, तो वो है लेपिडोप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट्स। ओके, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स भी इसका फायदा उठा सकते हैं तो उनके साथ शेयर जरूर करें। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई डाउट्स हैं तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और एट लास्ट इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आने वाले और इंटरेस्टिंग वीडियोज आप टाइम टू टाइम देख सकें।